शहीद जो कि देश के द्रोहर हैं, जिनका सम्मान करना और उन्हें याद रखना हम सब का फर्ज है। ऐसा ही एक प्रयास सेना की ओर से किया गया, जहां उनकी ओर से पठानकोट में उन शहीदों के लिए गेट बनाए गए जो इंडो पाक सीमा पर युद्ध के दौरान या फिर किसी आतंकी मुठभेड़ को नाकाम करते हुए देश की खातिर जिन्होंने शहादत का जाम दिया। उन शूरवीरों की याद में सेना की ओर से पठानकोट ज़िले के अलग अलग जगहों पर कुल 4 गेटों का निर्माण किया गया व लोगों को समर्पित किए गए, जिनका उद्घाटन सेना की ओर से उन शहीदों के परिवार से करवाया गया, ताकि आने वाली पीढ़ी इन गेटों को देख देश पर मिटने वाले शहीदों को याद कर सके। मैं कर्नल पीएल चौधरी हूं। मैं शहीद कैप्टन सुनील चौधरी कीर्ति चक्र सेना मेडल इनका पिता हूं। ये उनकी माता है श्रीमती सत्या चौधरी। आज जो इन्होंने अपने सब एरिया कमांडर साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है कि जितने भी जो शहीद हैं, खास करके डिस्ट्रिक्ट पठानकोट और आसपास के जो जितने भी शहीद हैं, उनकी यादाश्त में ये गेट बनाए गए हैं और उनके जो उनका उद्घाटन है उनके पेरेंट्स से करवाया गया, ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इससे जो है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा उनको सद्भावना मिलती है कि उनको भी याद किया जा रहा है और ये जो आने वाली पीढ़ी है उनको ये जरूर प्रेरणा देंगे। ये ऐसे गेट जो बनाए हुए हैं, दुख तो बहुत होता है एक जंग बेटे को लूज करना। इस मात्र 24 साल की उम्र में वो चला गया था, लेकिन उस समय जब ऐसे कारनामे उसके सुनते हैं देखते हैं तो हमको फ़ख्र से सीना फूल जाता है। लेकिन किसी न किसी को देश को कुर्बानी देनी है, क्योंकि हमारे देश के हालात कैसे हैं, हर जगह उग्रवाद फैल रहा है, तो इसको उग्रवाद को कंट्रोल करने के लिए, अपने देश की एकता और अखंडता को मेंटेन करने के लिए किसी न किसी को तो कुर्बानी देनी है। हमें फ़ख्र है कि हमारे बेटे ने इसके लिए कुर्बानी दी। शहीद परिवारों की तरफ से और एक्सेस मिलों की तरफ से सबरीय कमांडर साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पठानकोट के अंदर शहीद परिवारों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया और आज उन्होंने सुबह 8 गेट इनॉग्रेट करके बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है। बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि एहसान किया है हमारे इलाके के ऊपर। बहुत बहुत मेहरबानी आप सभी की, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ आए सुबह सुबह और आपने परिवार का मान सम्मान बढ़ाया। जय हिंद। आज हमारे माननीय 21 सवेरिया कमांडेंट ब्रिगेडियर जीएस बुद्धर साहब ने पठानकोट के इतिहास में एक नया माइलस्टोन स्थापित किया है कि एक ही दिन में इस राष्ट्र की बलि वेदी पर प्राणों की आहुति देने वाले हमारे 8 जांबाज सैनिकों की याद में जो यादगिरी गेट बनाए हैं उनका अपने कर कमलों से शहीद परिवारों को साथ लेकर सर ने उद्घाटन किया है और सरकार और सर के इस प्रयास से, कमांडर साहब के इस प्रयास से युवा पीढ़ी का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है, क्योंकि शहीदों की याद में बने स्मारक देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा करते हैं। और मैं कहता हूं कि ये अगर शहीदों का कोई सही मायनों में सम्मान करता है तो वो है हमारी भारतीय सेना। हम हमारे शहीदों के परिवार एक गेट बनाने के लिए तरस जाते हैं पॉलिटिशियनों के आगे, सरकारों के आगे हाथ फैला फैला के, लेकिन माननीय कमांडर साहब की पूरी टीम ने इन शहीद परिवारों को उनका मनोबल बढ़ाने के लिए और देश के रणबांकुरों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे आज 8 शहीदों के गेटों का उद्घाटन उन्हीं शहीद परिवारों से करवाया है और उनका मनोबल बढ़ाया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े मान सम्मान की बात है और सौभाग्य की बात है कि पठानकोट किले के हमें ऐसे कमांडर मिले हैं कि जिन्होंने इन शहीद परिवारों का मनोबल ऊंचा रखते हुए इन्हें जीने का मकसद प्रदान किया है और ऐसे समारोह से, ऐसी यादगारी स्थापित करने से देश की भावी पीढ़ी में राष्ट्र पर मर मिटने का जज्बा पैदा होता है और उनमें भारतीय सेना में जाने का जज्बा पैदा होता है। एक बार फिर मैं अपनी शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की ओर से सभी शहीद परिवारों की तरफ से माननीय कमांडेंट ब्रिगेडियर जीएस बुधवर सर सेना मेडल उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है जिसका हमारी परिषद जो है हमेशा ऋणी रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।